गुड इवनिंग गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज एचसीएल। एचसीएल का एक टॉपिक था फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो बोर्ड के लिए मस्ट टॉपिक है और बच्चों को थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। कोशिश करते हैं कि हम समझ पाए इसको एक ही बार, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक फाउंटेन निकलता है, ठीक है ना। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, अगर उसको भी लाइव भी करो तो यहाँ पर लाल रंग का एक फाउंटेन निकलता है, रेड फाउंटेन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पहले हम अरेंजमेंट समझते हैं। हम लोगों ने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोगों ने उल्टा लगाया है, ठीक है। कि उल्टा रखा है इन्वर्टेड, और राउंड बॉटम फ्लास्क से दो इनलेट्स निकाले, दो खाली स्पेसेस निकाले। एक से हम लोगों ने ड्रॉपर रखा है, इस ड्रॉपर के अंदर हम लोगों ने रखा है पानी, इसके अंदर वाटर है, पानी। और दूसरे होल से हम लोगों ने एक डिलीवरी ट्यूब डाल दी है, और इस डिलीवरी ट्यूब को हम लोगों ने डुबो के रखा हुआ है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन है, दैट इज ब्लू लिटमस, ठीक है। इसका ब्लूइश रंग ही होता है, पर्पलिश ही होता है, लोगों ने ब्लू कलर का लिया हुआ है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और इसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग में, यहाँ पर कोने में हल्का सा हमने नोक चोंच बना दी, दैट इज जेट ट्यूब। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल कभी गार्डनिंग करते हैं और पौधों को पानी डालते हैं, तो जब पौधों को पानी डालते हैं, हम आगे से जो आपकी पाइप होती है उसको दबा देते हैं, जिससे धार ज्यादा लंबी जाए। इसीलिए यहाँ पर भी यही सेम चीज करी हुई है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पतला करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जेट ट्यूब यूज किया, इसको पतला कर दिया, जिससे जो पानी ऊपर चढ़े तो वो तेज एकदम से धार ऊपर की तरफ आए और आपको फाउंटेन दिखे। इस एक्सपेरिमेंट में लाल रंग का फाउंटेन आता है, ऐसे करके लाल रंग का फाउंटेन निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो गया। हम लोगों ने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसको एक स्टैंड से अटका दिया है, जिससे ये हिले ना, ठीक है। और स्टैंड के थ्रू हमने इस फ्लास्क को रखा हुआ है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इस ड्रॉपर को प्रेस किया। जैसे इस ड्रॉपर को प्रेस करेंगे, यहां से एक दो बूंदे पानी की इसके अंदर आ जाएंगी, एक दो तीन चार। We all know that HCl gas is highly soluble in water. कितने soluble है? One volume of water can dissolve 452 volumes of HCl gas. मतलब पानी की एक बूंद HCl की 452 बूंदों को अपने अंदर absorb कर लेगी। तो दो बूंदे, तीन बूंदे, चार बूंदे, तो बहुत सारी HCl gas को अपने अंदर absorb कर लेगी। यहां पर ये पूरा का पूरा एयर टाइट है, तो इसके अंदर HCl gas भरी हुई थी, और HCl गैस धीरे धीरे पानी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे ही HCl गैस के अंदर पानी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम इज अ रॉन्ग शब्द बेटा, यहां पर वैक्यूम नहीं होता, यहां पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर एरिया। वैक्यूम का मतलब है कि एयर बची नहीं, लेकिन यहां पर एयर तो है, यहां पर HCl तो बची है, लेकिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हुई। अगर पहले 100 थी तो अब 90 रहेगी, 80 रहेगी, 70 रहेगी, और धीरे धीरे सारी की सारी HCl गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, और यहां पर क्रिएट हो गया कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरिया। यहां पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया, और बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली हाई था, तो अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया। जैसे हम इंजेक्शन में करते हैं या स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, हर एक चीज में हम लोग प्रेशर अंदर कम करते हैं, तो इसीलिए पानी का फ्लो शुरू हो जाता है, और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन धीरे धीरे यहां पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऊपर की तरफ चढ़ता है, इस ओपनिंग में आते ही जैसे ही इस फ्लास्क के अंदर आने की कोशिश करता है, तो इस फ्लास्क के अंदर HCl गैस है, एंड वी ऑल नो HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। दुनिया में जितनी भी एसिडिक चीजें होती हैं, वो हमेशा ब्लू लिटमस को, एसिडिक चीजें ब्लू लिटमस को हमेशा रेड कलर में बदल देती हैं। तो सोचो, जो ब्लू रंग का लिटमस सॉल्यूशन था नीचे, वो इस फ्लास्क के अंदर आते ही लाल रंग का हो गया, और आपको लगता है कि लाल रंग का फाउंटेन आ रहा है, जबकि नीचे नीले रंग का पानी था। एक्सपेरिमेंट बहुत ही खूबसूरत है। पहली चीज आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या सबूत दिया, क्या हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एक और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी ये फुलफिल कर रहा है, दैट इज HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। तो ये दो चीजें प्रूफ कर रहा है वाला एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं प्यार से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th ICSE के लिए, केमिस्ट्री के पेपर में आपको ये अक्सर मिलेगा। थैंक यू सो मच।